एसकेएम की अगुवाई में बसूर समाज के आंदोलनकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। 34वें दिन जारी रहा बसूर समाज का महापड़ाव। रीवा 8 नवंबर 2022 सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसूर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 34वें दिन जारी रहा। संयोजक शिव सिंह ने बताया कि एसकेएम की अगुवाई में सैकड़ों बसूर समाज के आंदोलनकारियों ने महापड़ाव स्थल से रैली के माध्यम से पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को ज्ञापन सौंपकर त्वरित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। महापड़ाव में बसूर समाज के प्रमुख प्रदीप बसोर, सरजू बसोर, राजेश बसोर, रमेश उर्फ राजभान बसोर, मलखान बंसल, सकोचित प्रसाद बसोर, पार्षद मनोज बंसकार, पार्षद शंकर बंसल, पार्षद अभयराज दिनेश बंसल, मुन्ना लाल राजेंद्र, संतोष गौतम बंसल, भगवान दास, नीलम लक्ष्मी, सरित ललिता, गीता नीलू, सुखनरिया, गौरी किशन, सुमन आदि सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी उपस्थित रहे। संचालन किसान नेता इंद्रजीत सिंह संखू ने किया ज्ञापन। ज्ञापन दौरान ने मोर्चे के नेता संत कुमार पटेल, अभिषेक कुमार पटेल, निर्भय पटेल आदि शामिल रहे। महाप्रभाव स्तर पर लगातार लंगर जारी है। आंदोलनकारियों ने कहा कि मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। आंदोलन लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।